नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। आज हम बात करेंगे उस सोशल इंजीनियरिंग की जिसकी चर्चा काफी तेजी से लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो गई। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की चर्चा हो रही है और अखिलेश यादव ने जो पीडीएफ फार्मूले पर सोशल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पीडीएफ फार्मूला उनका हिट हो गया है। आज हम बात करेंगे कि क्या 2024 के चुनाव में जो पीडीए के नाम पर जो गठबंधन जीत करके आया, जिसमें अखिलेश यादव ने एक लंबी छलांग लगाई, क्या वो पीडीए का ही परिणाम था? क्या पीडीए उपचुनाव उत्तर प्रदेश का जो हो रहा है उसमें और आगामी 2027 के चुनाव में भी क्या इसकी वजह से चुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी? इसको लेकर के हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको देंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी में 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रयोग पर प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। ये कोई प्रयोग करने का तरीका अखिलेश का ही नहीं, कई राजनीतिक हस्तियां जो बड़े दायित्वों पर रहती हैं या अपने दल को चलाती हैं वो प्रयोग करती रहती हैं, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के बड़े नेता थे, उन्होंने भी अजगर फार्मूला यूज किया था, जिसमें उन्होंने अहिर, जाट और उसके आदामा राजपूत की बात करी थी और गुर्जर की बात करी थी। उसके बाद उन्होंने इस फार्मूले को मजगर भी कह दिया था, यानी मुसलमानों को भी इसमें जोड़ दिया था और फिर ये फार्मूला उनका काफ़ी हद तक हिट भी रहा था उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। फिर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता, उन्होंने भी एक नया फार्मूला इस राजनीति में लेकर आए उत्तर प्रदेश की, और वह फार्मूला था MY समीकरण, जिसमें मुस्लिम और यादव, इसके बाद कोई नहीं। और ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का ये फार्मूला काफ़ी हिट साबित हुआ, और हिट ही नहीं हुआ, लगभग वो 4 बार इस प्रदेश की सत्ता में आए, आसानी से आए। और अगर बात करें तो उसके बाद उनके पुत्र यानी कि अखिलेश यादव ने भी कई तरह के प्रयोग किए। अगर हम बात करते हैं तो 2017 में उन्होंने दो लड़कों की जोड़ी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो फार्मूला उनका फेल हो गया और वो धराशाही हो गए। इसके बाद भी उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा और उस प्रयोग में हर दिन अखिलेश यादव कुछ नया जोड़ते रह गए। 17 के बाद जब 19 की बारी आई तो हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वैचारिक रूप से भी एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक समीकरण में भी इन दोनों के वोटर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी अगर बात करें तो वो गठबंधन बेमेल गठबंधन लगता था, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव प्रयोग करने से नहीं चूके और ना ही पीछे हटे। उन्होंने गठबंधन बहन मायावती के साथ कर लिया और स्थिति तो ये हो गई कि उसमें मायावती तो गेनर साबित हुई लेकिन अखिलेश यादव लूजर साबित हुए। और आपको बताएं कि अखिलेश यादव को उस समय 17.59% वोट पर ही संतोष करना पड़ा, और ऐसी परिस्थिति में अगर सबसे अधिक किसी ने खोया तो वो अखिलेश यादव, और 5 सीटों पर ही सिमट के रह गए। उसके बाद बारी आई 2022 के चुनाव की, उसमें अखिलेश यादव ने फिर से एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया, और वो रणनीति थी कि उन्होंने छोटे छोटे दलों से समन्वय बनाने शुरू कर दिए, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, कामेरावादी अगर बात करें अपना दल, इसके अलावा भी सुहेल देव पार्टी, ऐसे कई पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, और उसका परिणाम निकल करके आया कि जो पार्टी 17.59% वोट के साथ 2019 में थी वही पार्टी जंप कर जाती है, और जंप करके उस पार्टी का जो वोट प्रतिशत होता है वह बढ़ करके लगभग 32.06% पर पहुंच गया 2022 के चुनाव में। एक बड़ी छलांग लगाई अखिलेश यादव ने अपनी उस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। बात आती है 2024 की, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूले की चर्चा करना शुरू कर दी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फार्मूला, ये माना जा रहा है कि पूरे देश में इसको लेकर के जातीय जनगणना और जातीय जनगणना के बाद पीडीए, इस मामले को आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसका सबसे अधिक अगर लाभ किसी को मिला तो वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 2024 में, जिसमें समाजवादी पार्टी 5 से सीधे 37 सीटों पर आ जाती है, एक बड़ा छलांग लगाती है, और वोट प्रतिशत भी समाजवादी पार्टी का बढ़ जाता है, जिसमें 33.59% इनके वोट शेयर बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये माना जाने लगा कि पीडीए फार्मूला हिट हो गया, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ये एक साथ ही वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी ही उनका विकल्प है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो अब ये बात ज़्यादा
तार्किक बन रही है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी अब इसी फार्मूले पर चलेगी, क्या उपचुनाव में भी उसको इतना ही लाभ मिलेगा, क्या वास्तव में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि जो 9 सीटों पर अभी अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें भी इस पीडीए फार्मूले पर ही सोशल इंजीनियरिंग की उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी 4 दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने यादव और उसके अलावा उन्होंने SC को भी दिया है और कुर्मी को, इन 3 जातियों को दिया उन्होंने, यानी पीडीए फार्मूले को फिट कर दिया। लेकिन बात यह आती है कि क्या जिस फार्मूले पर 2024 में इतनी बड़ी जीत मिली उसके पीछे भूमिका क्या थी? भूमिका थी आरक्षण बचाओ, भूमिका थी संविधान बचाओ। ये ऐसे मुद्दे थे जिस पर पिछड़ा और दलित दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए। साथ ही मायावती की निष्क्रियता भी एक बहुत बड़ा कारण थी कि मायावती कहीं पर दमदारी से नहीं लड़ रही थी, दलितों के पास कोई बहुत बड़े अवसर नहीं थे। आपको बता दें कि दलित और पिछड़ा कभी भी एक होकर के नहीं रह सकते हैं। एक जो है वो शोषित समाज है, दूसरा जो है उसके एक के पास जमीन ही नहीं है, जो दलित है दूसरा जो है उसके पास जमीन है लेकिन वो भी एक शोषित समाज की तरह जीवन जीता है, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर बात की जाए तो क्या पीडी आगे चल पाएगा? ऐसी स्थिति बिल्कुल गुंजाइश नजर नहीं आती है। अगर हम उपचुनाव की ही बात करें तो चंद्रशेखर आजाद एक बड़े विकल्प के रूप में इन उपचुनाव में दिखाई पड़ेंगे। वहीं पर मायावती ने इस बार पहली बार कमबैक किया और 9 की 9 सीटों पर मायावती के प्रत्याशी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। मानी बात है कि दलितों के पास उनका अपना चुनाव निशान हाथी दिखाई पड़ रहा है, जबकि लोकसभा में ऐसी स्थिति नहीं थी। लोकसभा में दलितों के पास विकल्प के रूप में मायावती के दमदार कैंडिडेट नहीं थे। यहां पर अगर उपचुनाव की बात करें तो ये परिणाम आने के बाद तय हो जाएगा कि दलित अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है या नहीं है। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा और कठिन टास्क है दलितों को अपने साथ बनाए रखना, और मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति वो बना पाएंगे 2027 तक या इस उपचुनाव में। इस उपचुनाव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मायावती की जो स्टैंडिंग है, मायावती जो चुनाव लड़ रही है, वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। अगर 2027 या उपचुनाव में दलित छटकता है समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी के वोट शेयरों में 28% तक गिरावट आ सकती है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 40% वोट शेयर के साथ अभी भी अपना वोट शेयर बरकरार रखे हुए है, जबकि त्रिकोणीय मुकाबले में भी वो रही है और नेक टू नेक मुकाबले में भी वो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 40 से नीचे नहीं गया है, और अगर ये दलित आ जाता है तो इसका भी लाभ मिलेगा। वहीं अगर पिछड़ों की बात की जाए तो आज पिछड़ों के सम्मान नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जाने जा रहे हैं। पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ है, वहीं पर अखिलेश यादव को लोग यादव ही मान रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में अन्य पिछड़ी जातियां उनके साथ आएंगी कि नहीं आएंगी ये बात की बात होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा के चुनाव में भी नायब सिंह सैनी की बात करें तो वहां भी अति पिछड़े को ला करके उन्होंने ये संदेश दे दिया है भाजपा ने कि हम कोटा विद इन कोटा करेंगे। अगर बात करेंगे पिछड़ों में तो पिछड़ों में पाल हैं, गड़रिया हैं और भी चौरसियां हैं, ऐसे बहुत सी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उनको पूरा लाभ देंगे। इसलिए भाजपा की तरफ वो जातियां भी खसक सकती हैं। फिलहाल देखना यह है कि ये पीडीएफ फार्मूले पे समाजवादी पार्टी का क्या होगा, कैसे होगा, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश यादव की सक्रियता, अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले ने योगी सरकार को जनता के पास जाने पर मजबूर कर दिया है, और इसका लाभ हो ना हो जनता को मिल रहा है। ये तो भविष्य बताएगा कि पीडीएफ फार्मूला कितना हिट रहा और कितना नहीं रहा। देखते रहिए लाइव जुबली न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।